A very good morning everyone, guys. Good morning. The class has already started here. First Ben, stop talking. Class pe focus karo. Guys, come on quickly. Confirm me in the live chat whether I am live or not. Good morning everyone, so that we can start with the session. पूरा आपका फेमा का सेशन मैं यूट्यूब में लूंगी, डोंट वरी. ठीक है, तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हम लोग जो है ऑलरेडी क्लासेस कर चुके हैं, लेकिन जो नया सिलेबस में पोर्शंस ऐड हुआ है वो हमारे पास नहीं है. सो दैट इज वाई पूरा का पूरा फेमा जो है वो मैं आपका यूट्यूब में लेने वाली हूँ. ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहना, आराम से जो है आप मेरे संग फेमा कर सकते हो. ओके गाइज, सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. चलो आ जाओ जल्दी से जो है एक बार लाइक बटन हिट कर दो और फेमा बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे आज. ओके, कुछ भी अभी लिखने का दरकार नहीं है गाइस. क्लोज योर बुक, क्लोज योर कॉपी, जस्ट चिल. पहले हम लोग पूरा फेमा का प्रोविजंस को समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताओ, पूरा का पूरा नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में. ओके, एवरीथिंग विल बी डिक्टेटेड टू यू गाइस इन द कॉपी. और पूरा का पूरा ऐसा नहीं कि कोई डिक्टेटेड नोट्स रहेगा, पूरा का पूरा जो आपका बेयर एक्ट का लैंग्वेज है वही मैं आपको कॉपी में लिखवाती हूँ. नो इट ऑलरेडी, सो यू कैन डायरेक्टली रीड द थिंग्स फ्रॉम द कॉपी इटसेल्फ. ओके गाइस, तो फेमा जो है अप्रोक्सीमेटली कितना मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का, 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है फेमा से. So you are understanding the importance of this chapter. This is very very important. I will take 3 to 4 lectures to complete this chapter. Okay? चलो आ जाओ. आज हम लोग क्या start करने वाले, जल्दी से बता दो. Foreign Exchange Management Act. Okay? कौन से term का student का ये lecture है? तुम्हारा जिस term में exam है उसके लिए applicable है. ठीक है? और इससे ज्यादा और क्या बोले बताओ? तुम जिस term में exam दे रहे हो उसके लिए applicable है. Okay? Yes guys, let us start with the lecture. The Foreign Exchange Management Act 1999. ठीक है, फेमा एक्ट क्या है? पहले हम लोग इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग डिटेल में घुसेंगे फेमा एक्ट के अंदर. ओके, सो फेमा एक्ट 1999, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 किसके बारे में बात करता है? ठीक है, इट टॉक्स अबाउट एक्सटर्नल ट्रेड. किसके बारे में बात करते हैं बताओ? एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट. इट टॉक्स अबाउट व्हाट? एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट. हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए फेमा एक्ट 1999 को लाया गया था, विच गॉट इनेक्टेड ऑन, विच बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of June 2000. भले ही फेमा एक्ट पास कब हो गया था, 1999, लेकिन इट बिकेम एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया. कहां से, कब से मुझे बताओ? 1st of June 2000. क्यों लेकर आया गया? ताकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया को प्रमोट किया जा सके, उसको रेगुलेट किया जा सके. ठीक है, फॉर द ऑर्डरली डेवलपमेंट, प्रमोशन, मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया. एंड फॉर व्हाट? फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट. फॉर फैसिलिटेटिंग व्हाट? एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब क्या हुआ मैम? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं. आपको पता है ना, 1991 में एलपीजी पॉलिसी गॉट इंट्रोड्यूस्ड. When the finance minister was, in fact, he was the best finance minister India could ever have, Dr. Manmohan Singh. As a prime minister, he may have not done great deeds. आपको पता है एक movie भी release हुआ था, Accidental Prime Minister, Anupam Kher. ठीक है, but as a finance minister, he has done a great job. और finance minister जब मनमोहन सिंह थे 1991 में, आपको पता है LPG policy got introduced, liberalisation, privatisation, globalisation. तो ऐसा क्या हुआ? समझ में आ रहा? इसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा केस स्टडी है, विच आई वांट टू शेयर विद यू गाइस, जिससे आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के प्रति. दैट इज योर कोको कोला का केस स्टडी. हैव यू हर्ड द नेम ऑफ कोको कोला? कितने जन पियो कोको कोला? एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन मस्ट हैव टेस्टेड कोको कोला इन देयर लाइफ. नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, ये जो कोको कोला कंपनी है, आप मुझे बताओगे एक कंट्री में बैन है, इन विच कंट्री द कोको कोला कंपनी इज बैन? नो is coming from Nepal, he's drinking coca cola daily there. In which country coca cola is banned? North Korea. kahan pe banned hai? North Korea mein. nahi, North Korea mein. coca cola company jo hai na, uska jo secret formula hai wo kabhi aaj tak kisi ko share nahi kiya dusre country ke sath. आपको पता है जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला ना 1947 में, उसके पहले तो इंडिया वाज अंडर द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिशर्स. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज ओनली वन बीवरेज कंपनी दैट वाज डोमिनेटिंग इंडिया, एंड दैट बीवरेज कंपनी वाज कोको कोला, विच वाज नॉट एन इंडियन कंपनी. कोको कोला इज अ अमेरिकन कंपनी, इट वाज नॉट एन इंडियन कंपनी. पता है ना ये बात आपको? तो कोको कोला उस समय वाज अ लीडिंग बीवरेज कंपनी
इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में कोको कोला वॉज ओनली द लीडिंग बेवरेज कंपनी। फिर अब अचानक से क्या हुआ ना, इंडिया को रियलाइज हुआ कि नहीं यार बहुत हुआ विदेशी प्रोडक्ट खाना, लेट अस स्टार्ट द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट क्यों ना हम लोग अपना खुद का इंडिजिनियस गुड्स बनाए, उसको ज्यादा प्रमोट करे और ना कि फिरंगियों के प्रोडक्ट को प्रमोट करे। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1973, पहले इंडिया वॉज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है ना, जब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, देन इट वॉज मूविंग टूवर्ड्स सोशलिज्म। सो इन 1973 फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया को लगा कि नहीं हमें जो है ना सोशलिज्म की तरफ मूव लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ विच हमें जो है विदेशी प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए, हमें खुद इंडिजिनियस प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ रहा है, बीवरेज कंपनी अगर कोको कोला है तो फॉरेन कंपनी है, तो यानी हम लोग को कुछ ना कुछ इसके लिए रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट लेकर आना चाहिए, जिससे लोग क्या करेंगे बताओ, कोको कोला का कंजम्पशन कम करेंगे या कंपनी जो है वो खुद में खुद ही जो एग्जिट मार देगा इंडिया से। एंड इट हैपेंड इन 1973। यानी आपको पता है अभी कोको कोला बोल रहे हो इज नॉट बैन इन इंडिया, इट्स बैन इन नॉर्थ कोरिया, बट आज से 30 साल पहले कोको कोला वॉज इवन बैन इन इंडिया। समझ मारे, तो हुआ क्या 1973 में, गवर्नमेंट हैज पास्ड अ एक्ट कॉल्ड एज फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। कौन सा एक्ट पास किया बताओ, फेरा। फेरा का फुल फॉर्म बताओ क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेरा क्या बताओ, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में पास किया कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पता है मैम फेरा क्यों पास किया गया, फेरा एक्ट पता क्या बोला, फेरा एक्ट बोला कि सुनो जितने भी फॉरेन कंपनी है ना हम आपको रहने देंगे इंडिया में, लेकिन एक शर्त पे कि आपका जो स्टेक है ना वो 40% से ज्यादा नहीं होगा, आपका जो स्टेक है वो 40% से ज्यादा नहीं होगा। अगर आप इंडिया में कंपनी खोल रहे हो ना, आपका स्टेक 40% से ज्यादा नहीं होगा। और दूसरा चीज बोला, आप जो भी बनाओगे ना उसका सीक्रेट फॉर्मूला रेसिपी वगैरह आपको सब इंडिया के ओनर से आपको शेयर करना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बोला था अभी कुछ देर पहले, कोको कोला हैज नेवर शेयर्ड इट्स सीक्रेट रेसिपी, इट्स फॉर्मूला कि को कैसे बनता है, किसी को कभी नहीं शेयर किया। कोको कोला का टेस्ट में आप देखोगे एक टेस्ट थोड़ा अलग सा आता है, जो बात बाकी बीवरेज कंपनीज के पास नहीं है वो फॉर्मूला। तो तुमको क्या लगता है, क्या कोको कोला ने अग्री किया होगा जब 1973 में फेरा एक्ट लाया गया, क्या कोको कोला ने अग्री किया होगा? स्टेक को लेकर तो अग्री कर लिया, 40% स्टेक, ठीक है, दे आर ओके विद दैट, बट दे वर नॉट रेडी टू शेयर देयर व्हाट, फॉर्मूला, सीक्रेट फॉर्मूला दे वर नॉट रेडी टू शेयर। उन लोग अपना सीक्रेट फॉर्मूला शेयर नहीं करना था, फिर क्या हुआ, क्या होना था बताओ, छोड़ के चला गया इंडिया। कोको कोला क्या किया, इंडिया छोड़कर चला गया, और उस समय बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंपनी ने इंडिया से एग्जिट लिया। फिर देन इट मार्क द डेवलपमेंट ऑफ सम इंडियन बीवरेजेस कंपनी लाइक लिम्का, कैंपा कोला एंड इवन थम्सअप। सुना कैंपा कोला, आपने सुना ना अभी वो कैंपा कोला इज बैक, तो कैंपा कोला उस समय बना था। लेकिन फिर क्या हुआ सुनो, तो यानी 1973 में जो फेरा एक्ट को लाया गया, ये फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए लाया गया था, कि कर्ब करने के लिए गया था, कर्ब प्रमोट नहीं कर रहा था बल्कि क्या कर रहा था, रोक रहा था, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा था। समझ में आ रहा है? फिर क्या हुआ ना, धीरे धीरे 1991 में जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको एहसास हुआ कि यार अब मान लो किसी को कोको कोला पीना है तो इंडिया में तो बन नहीं रहा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भयानक वाला क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट ड्यूटीज लग रहा है। समझ मारे, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का पोजीशन है वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का डेफिसिट हो चुका है, भयानक वाला। तो ये बात एहसास हुआ गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने फिर रियलाइज किया कि नहीं हम लोग को अपने कंट्री को लिबरलाइज कर देना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी का पॉलिसी को अनाउंस किया, एंड इट वंस अगेन मेड इंडिया लिबरल। समझ मारे, इंडिया को क्या बनाया, लिबरल। और तभी उसके बाद से फिर इंडिया को बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, पहले कैपिटलिस्टिक फिर सोशलिस्टिक एंड देन नाउ इट इज लिविंग इन द जर्नी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। समझ मारे, फिर 1991 में एलपीजी पॉलिसी अनाउंस किया गया। अब एलपीजी अनाउंस किया गया तो तुमको क्या लगता है, कोको कोला आया होगा कि नहीं वापस, कोको कोला इज बैक इंडिया में, वापस कोको कोला ने एंट्री मारा। और जब कोको कोला ने देखा कि इंडिया में ना लिम्का, थम्सअप, कैंपा कोला सबका हालत खराब हो रखा है, एवरीवन इज रनिंग इनटू लॉसेस, फिर कोको कोला ने सारे कंपनीज को क्या किया, खरीद लिया, थम्सअप को खरीद लिया, लिम्का को खरीद लिया, एंड दे आर रनिंग अंडर कोको कोला। समझ मारे क्या बोल रहे हैं? और फिर उसके बाद क्या हुआ, इतना सारा ट्रांजेक्शन बढ़ गया, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, इनफ्लो फॉरेन कैपिटल, यू हैव ओपन्ड योर इकोनॉमी ना,
फॉर द फॉरेन कैपिटल, एफडीआई गॉट ओपेंड, एफपीआई गॉट ओपेंड, तब फिर रियलाइजेशन हुआ गवर्नमेंट को कि हमें देयर इज अ ड्रास्टिक नीड ऑफ एन एक्ट टू रेगुलेट दीज ग्रोइंग फॉरेन ट्रांजैक्शंस. समझ में आ रहा है, इतना ट्रांजैक्शन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो इसके लिए हमें कोई एक्ट चाहिए जो इसको क्या करे, रेगुलेट, क्योंकि कोई एक्ट नहीं था ना फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने के लिए. सो दैट इज व्हाई फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 गॉट इंट्रोड्यूस, विच रिपील्ड द फेयर एक्ट 1973. रिपील्ड मतलब पूरा का पूरा उखाड़ कर फेंक दिया. यू अंडरस्टैंडिंग? So that is why FEMA Act 1999 got introduced to repeal and to regulate the foreign exchange market in India, to promote the orderly development and regulation of what? And development of kya? Maintenance of kya? Foreign exchange market in India. So mare, aur kya? For facilitating external trade and payment. For facilitating external trade and payment. Import export ko kya? Facilitate karne ke liye ye act ko laya gaya. तो एक्ट आ गया था कब? एक्ट गॉट पास इन द ईयर 1999, बट इट बिकेम एप्लीकेबल कब से बताओ? 1st of June 2000. समझ में आया इसका पूरा हिस्ट्री? क्लियर है? तो इतना हिस्ट्री, इतना तुमको रियल इनसाइट कोई नहीं देगा मेरे अलावा. इसके अलावा बहुत प्रैक्टिकल इनसाइट भी इस चैप्टर में, 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है. और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे तो 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा. रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और 100% तुम लिखवा लो वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम. So your attention should be at the highest point in today's lecture, okay? And trust me, if you are going to listen to me properly, everything will be very smooth and clear. एकदम मक्खन रहेगा आज का क्लास, आप अगर ध्यान से सुनोगे. क्लियर? सब कुछ क्लास में जो आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा. और याद करना नहीं पड़ता है, याद हो जाता है effortlessly. क्लियर है? सुनो अब, FEMA Act 1999, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका प्रियम्बल में क्या लिखा है, इसका एप्लीकेबिलिटी कहां कहां है और इसका कमेंसमेंट कब हुआ. कमेंसमेंट कब हुआ ऑलरेडी मैंने बता दिया. FEMA Act का कमेंसमेंट कब हुआ बताओ ना? 1st of June 2000. इज इट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया? यस इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. इट इज एप्लीकेबल टू गाइज व्हाट? होल ऑफ इंडिया. इस चैप्टर का सारा क्लास आप लोग है क्या? हाँ रोहित ऑलरेडी तो बोल दिए स्टार्टिंग में ही. ठीक है चलो क्लियर है. अब ध्यान से सुनना, FEMA Act has been divided into how many chapters? ठीक है तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं. FEMA Act को डिवाइड किया गया टोटल 7 चैप्टर में. कितना चैप्टर में बताओ? 7 चैप्टर. दैट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चैप्टर? 7 चैप्टर. क्या क्या मैम 7 चैप्टर? प्रिलिमिनरी, हर समय वही होता है, कंपनीज एक्ट में भी आपने वही देखा था. फिर क्या होता है बताओ? रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑथोराइज पर्सन, कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टी, एडजुडिकेशन एंड अपील, Directorate of Enforcement and Miscellaneous. So that consists of, I mean, how many chapters, guys? It consists of how many chapters? 7 chapter. Preamble में ये act का क्या लिखा? Object लिखा है कि act क्यों pass किया गया था. तो ऑलरेडी मैंने आपको बोला क्यों पास किया गया था, एक्सटर्नल ट्रेड को एंड पेमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, एंड फॉर प्रमोटिंग द क्या? ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया. दो पॉइंट बोला. क्या बोला? फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, एंड फॉर क्या? प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया. तो देखो क्या लिखा है प्रीएम्बल में, फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ क्या? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया. कोई डाउट है क्या यहां तक? आर वी थ्रू विद दिस? एप्लीकेबिलिटी, डज इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया? ऑफ कोर्स इट एक्सटेंड्स टू क्या? होल ऑफ इंडिया. कमेंस कब हुआ देखो? 1st of June 2000. क्लियर है? द एक्ट 1999 केम इनटू फोर्स कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of June 2000. अब हम लोग डेफिनेशन में आ रहे हैं. ठीक है ध्यान से सुनना, टेलीग्राम में शेयर हो जाएगा, डोंट वरी. पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में शेयर हो जाएगा. और वैसे भी मैंने तुमको बोला यार पीडीएफ मिले चाहे नहीं मिले, सब कुछ तो तुमको डिक्टेट करके लिखवा देंगे हम, क्या चीज का चिंता है? जस्ट चिल एंड एंजॉय द क्लास. ओके जस्ट गो विद द फ्लो. अरीशा चलो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बताओ? वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन. आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं जिससे हम लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस पता चलेगा. पीआरआई क्या होता है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. बोलो मेरे संग क्या बोला? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पीआरओआई, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. दो टर्म बोला मैंने, पीआरआई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पीआरओआई का फुल फॉर्म बताओ? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. यू नो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है इसी से क्वेश्चन आना ही आना है तो मतलब लिखवा लो, ब्लैंक पेपर में से साइन करवा लो, आएगा ही आएगा. पीआरआई का फुल फॉर्म बताओ क्या? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. पीआरओआई का फुल फॉर्म बताओ? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया.
सुनो ना, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का पहले तुमको डेफिनेशन पढ़ा देते, तुमको मजा आएगा पढ़ के, क्लियर है? सेक्शन टू क्लॉज डब्ल्यू, सेक्शन टू क्लॉज डब्ल्यू ने डिफाइन किया क्या चीज को, पी आर ओ आई को, किसको डिफाइन किया बताओ, पी आर ओ आई, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया. पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, यानी पी आर ओ आई इज अ पर्सन हु इज नॉट अ पी आर आई, हु इज नॉट अ पी आर आई. मजा आया पढ़ के, हो गया लर्न, वेरी गुड. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या पी आर आई. आज का पूरा क्लास हम लोग का इसी में जाएगा कि पी आर आई क्या होता है, समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने क्या बोला, कौन से क्लॉज में डिफाइन है, सेक्शन टू क्लॉज डब्ल्यू. ठीक है, तो मैम ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे ही इंस्टीट्यूट की किताब में जैसे नंबरिंग लिखा रहता है ना, ये उसका है, बट इसका एक्चुअल सेक्शन क्या, सेक्शन टू क्लॉज डब्ल्यू ऑफ द फेमा एक्ट. तो ये कंफ्यूज मत हो जाना ये देखकर कि 13 क्यों लिखा है, ये पॉइंट्स है ऐसे. ठीक है, इसका क्लॉज क्या मेरे को बताओ, सेक्शन टू क्लॉज डब्ल्यू याद रहेगा, पी आर आई क्या होता है. चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पी आर आई क्या होता है. पी आर आई का फुल फॉर्म बता दो जल्दी से, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. यस अनुष, एब्सोल्युटली एप्लीकेबल फॉर यू. सुनो, पी आर आई, पी आर आई का फुल फॉर्म बताओ क्या, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन टू क्लॉज वी, सेक्शन टू क्लॉज वी, सेक्शन टू क्लॉज वी याद रहेगा, किसको डिफाइन किया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. ठीक है, अब जबरदस्त तरीके से हम लोग इसके डेफिनेशन का पूरा पोस्टमार्टम एनालिसिस करने वाले दोस्तों. पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन टू क्लॉज वी, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मींस अ पर्सन हु रिसाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. स्टॉप. पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब हुआ एक ऐसा इंसान जो मोर देन 182 डेज इंडिया में रिसाइड किया इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. यानी अगर तुम 23-24 का रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हो मिस्टर एक्स का, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी 22-23 में क्या वो मोर देन 182 डेज इंडिया में रिसाइड किया है. यानी करंट फाइनेंशियल ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए आपको देखना है कि वो कितना दिन रिसाइड किया इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. अरे तुम अभी का देख रहे हो ना, तो तुमको ऑब्वियस बात है अभी तो मतलब पूरा हुआ ही नहीं है फाइनेंशियल ईयर, तो तुम 182 डेज कैसे चेक करोगे. तुमको चेक करना पड़ेगा किसका, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. और वो भी 182 नहीं बोला मैंने, क्या बोला, मोर देन 182 डेज स्टे करना चाहिए, मोर देन 182 डेज रिसाइड करना चाहिए. समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं. अच्छा मैम, लेकिन हम लोग को याद आ रहा है जब आप कंपनी लॉ में कुछ पढ़ा रहे थे, हम लोग याद है एक बार नॉमिनी का प्रोविजन पढ़े थे ओपीसी के केस में, 1% कंपनी वा 120 डेज का प्रोविजन था. इनकम टैक्स में कुछ और पढ़े भाई, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद इनकम टैक्स एक्ट और द कंपनीज एक्ट. ये फेमा एक्ट चल रहा है जिसमें फेमा एक्ट का प्रोविजन पढ़ाया जा रहा है, और हर जगह प्रोविजन अलग अलग होता है दोस्तों. तो कुछ बच्चे अपना दिमाग कम दौड़ाओ और ये मतलब नहीं, वहां 120 पढ़े थे, कहीं पे 182, एटलीस्ट 182 नहीं है यार वो सब. हम लोग अभी फेमा पढ़े जहां पे कंडीशन क्या बोला कि एक पर्सन को रेसिडेंट इन इंडिया तब माना जाएगा, मींस अ पर्सन हु हैज रिसाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 182 डेज इन इंडिया इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. याद रहेगा, क्लियर है यहां तक. सुनो, बट डज नॉट इंक्लूड्स, क्या बोल रहे ध्यान से सुनना, बट डज नॉट इंक्लूड्स, डज नॉट इंक्लूड्स, डज नॉट, प्रीसीडिंग बोला मैंने, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब एक साल पहले, समझ में आ रहा है. सुना ध्यान से, बट डज नॉट इंक्लूड्स अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया इन आइदर केस, यानी फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री पर्पजेस. भले ही तुम प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा रहे हो, लेकिन अगर तुम ये तीन पर्पस के लिए इंडिया को छोड़ के जा चुके हो, तो तुमको देश निकाला कर देंगे. तुमको हम लोग पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का डेफिनेशन में नहीं मानेंगे. पता है वो तीन पर्पस क्या है? फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम लोग जो है इंडिया छोड़कर बाहर चले गए, क्या करने के लिए, जॉब करने के लिए. क्या करने के लिए, जॉब, या फिर अपना बिजनेस करने के लिए, यू वेंट टू यूके बिजनेस करने के लिए, वोकेशन करने के लिए. या तो जॉब करने के लिए तुम इंडिया को छोड़ के चले गए, या फिर बिजनेस करने के लिए, या वोकेशन करने के लिए, या फिर कोई भी तीसरा पर्पस, एनी अदर पर्पस, द सर्कमस्टांसेस ऑफ विच इंडिकेट्स द इंटेंशन ऑफ दैट पर्सन टू स्टे आउटसाइड फॉर एन अनसर्टेन पीरियड. या कोई ऐसा पर्पस जिसमें तुम्हारा इंटेंशन दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा दोबारा इंडिया आने का इच्छा है नहीं दूर दूर तक, तुम कितने दिन बाहर रहोगे इसका कोई ठिकाना नहीं है. समझ में आया क्या बोल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल स्नेहा, स्नेहा का नया नया शादी हुआ है, स्नेहा गई है बाहर घूमने गई है, वेकेशन पे गई है, सुना रहे, तो इन दैट केस क्या इसको हम लोग ये तीन पर्पस में ले लेंगे क्या, वापस आने का इरादा है ना, बोलोगे नहीं वो तीसरा पर्पस में ले लेते हैं, एनी अदर पर्पस. अरे इसका इंटेंशन बाहर, इरादा नहीं है रहने का, टूरिस्ट वीजा लेकर गई है, 10-15 दिन में रिटर्न आ जाएगी, यूएसए गई है घूमने के लिए, कहां गई हो,
न्यूजीलैंड गई है, ठीक है, हम भी गए थे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड गई है, तो वापस से जो है इसका आने का इंटेंशन तो है ही ना, तो इन दैट केस आपको समझ में आ रहा है वो पीआरआई के डेफिनेशन में नहीं आएगा। पीआरआई के डेफिनेशन में कौन नहीं आएगा, जो इंडिया को छोड़कर चला गया क्या करने के लिए, या तो जॉब या खुद का धंधा या वोकेशन या फिर कोई भी दूसरा पर्पस जिसमें उसका इरादा नहीं लग रहा है वापस आने का, और कितना दिन बाहर रहेगा उसका कोई अता पता नहीं, अनसर्टेन पीरियड, समझ में आ रहा है, अनसर्टेन पीरियड। तो ऐसा इंसान क्या पीआरआई के डेफिनेशन में आएगा, नहीं आएगा, भले इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में स्टे किया है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल पूछू, आप मुझे इसका आंसर बताना। फॉर एग्जाम्पल आदित्य, ठीक है, ए हमारे क्लास में दो आदित्य है ना, यूर आल्सो आदित्य, नहीं एक ही आदित्य है क्या, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, लाइव फ्रॉम होम में होंगे आदित्य, सुनो इधर देखो, जितने भी आदित्य इधर देखो, सारे बच्चे इनफैक्ट इधर देखो, सुनो ध्यान से सुनना और मेरे को आंसर करना, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इंडिया में मोर देन 182 डेज रहा है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओगे क्या 23-24 में इसको हम लोग पीआरआई मानेंगे कि पीआरओआई मानेंगे कि कांट कमेंट, सोच के बताओ, टेक योर टाइम गाइस, टेक योर टाइम। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही हैज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 182 डेज, सुनना रे, 182 डेज से ज्यादा रहा है इंडिया में। अब मैंने आपसे पूछा 23-24 में इसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ क्या है, आदित्य इंडिया में रहा है 23-24 फाइनेंशियल ईयर में कितना दिन के लिए, 200 दिन, चलो 182 डेज से ज्यादा बोला ना, 200 दिन बोल लिया। अब मेरे को आप आंसर दो 23-24 में इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा, क्या वो पीआरआई बोला जाएगा कि पीआरओआई, कि यू कांट कमेंट, व्हाई यू कांट कमेंट, वेरी गुड मैम, आप तो ये अभी का बात कर रहे हो, हम लोग को अगर अभी का रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है तो वी वांट द डेटा ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज नॉट गिवन ईयर, इट विल डिपेंड अपॉन कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो इंडिया में था क्या, अगर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहा है तब हम लोग उसको क्या मान लेंगे, पीआरआई, अदरवाइज नॉट। तो इसका आंसर क्या होगा मैम, कांट कमेंट, वी कैन नॉट से, यार हमें क्या पता, समझ में, वो कहां था, इंडिया में था कि रशिया में था कि यूके में था कि यूक्रेन में था, हम लोग को क्या पता कहां था, वी कैन नॉट, समझ में, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, कौन से फाइनेंशियल का इन्फॉर्मेशन चाहिए बोलो, 22-23 का क्या, चलो हम दे दे रहे, 22-23 में ही रिसाइडेड इन इंडिया, ही रिसाइड्स इन इंडिया फॉर 182 डेज, 182 डेज रहा है इंडिया में, तुम लोग बोला ना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में दे दीजिए डेटा, हाँ वेरी गुड, अभी भी ये पीआरआई नहीं है क्योंकि मैम आप प्रोविजन पढ़ो ठीक से, मोर देन 182 डेज बोला है, मोर देन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, भले ही आपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का इन्फॉर्मेशन दे दिया लेकिन मोर देन 182 डेज तो नहीं रहा है ना वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो इन दैट केस क्या उसको पीआरआई मानेंगे कि पीआरओआई मानेंगे, पीआरओआई पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस ऑर नॉट, चलो एक बार पढ़ते वापस से प्रोविजन क्या बोला, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, क्या लिखा हुआ बताओ, मोर देन, कहीं भी गलती से मोर देन मिस मत कर देना, और मोर देन 182 डेज कहां बोला, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया इन आइदर केस, आइदर केस क्या, तीन पर्पज मैंने बोला, फॉर आइदर क्या, इंप्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, फॉर टेकिंग अप इंप्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, फॉर कैरिंग आउट आउटसाइड इंडिया बिजनेस और वोकेशन, फॉर एनी अदर पर्पज द सर्कमस्टांसेज ऑफ विच वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड, समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं, पक्का, चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। राहुल, नाम तो सुना ही होगा, कुछ कुछ होता है का फेमस डायलॉग, सुनो राहुल, रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 200 डेज इन द
फाइनेंशियल ईयर 22-23 सुन मारे इन जून 23 ही गोस टू यूएसए फॉर वोकेशन कमेंट ऑन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 टेक योर टाइम और जिन लोग सुन नहीं रहे ध्यान नहीं दे रहे उन लोग हालत खराब होगा एग्जाम है मेरे को मत बोलना दिस नॉट अ गार्डन व्हेन एवर यू कैन वॉक इनसाइड एंड कम टॉकिंग टू यू लेट कमर टाइम से आया करो क्लास में सुन रहे थे रस्ते में सुन रहे थे बैठो 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 ठीक है बैठो इस तरह से देखो बीच में ज्वाइन करोगे तुम ही को नहीं समझ में आएगा ना प्रोविजन इट इज सेटल्ड ऑन क्विकली शिफ्ट गाइस शिफ्ट शिफ्ट सेटल्ड ऑन देयर 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 बैठो जल्दी देखो क्वेश्चन क्या ध्यान से समझना राहुल इंडिया में 200 दिन था फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ठीक है अब मेरे को बताओ फाइनेंशियल ईयर 23-24 का मैंने पूछा ना 23-24 के लिए आपको डेटा किसका चाहिए 22-23 का 22-23 में क्या वो 182 डेज से ज्यादा रहा है इंडिया में हाँ और लेकिन और एक चीज बोला कि जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है ना जून 23 में ही वो कहां चला गया मेरे को बताओ यूएसए चला गया क्या करने के लिए वोकेशन के लिए क्लियर है फॉर एनी बिजनेस और मे बी एनी वोकेशन तो अब 23-24 में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए हम लोग को प्रिसीडिंग देखना पड़ता है तो प्रिसीडिंग 22-23 में डेटा क्या दिखा रहा है क्या वो 182 डेज से ज्यादा रहा है तो अब मेरे को बताओ क्या वो पीआरआई बोला जाएगा कि पीआरओआई बोला जाएगा पीआरआई की पीआरओआई पीआरआई की पीआरओआई मिक्स आंसर आ रहा है पीआरओआई हो गए ना क्लीन बोल्ड प्रोविजन पढ़ते नहीं हो ध्यान से तुम अभी तो मैंने बोला कि अगर वो इंडिया छोड़कर जा चुका है फॉर एनी ऑफ द थ्री पर्पस तो पीआरए के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा इवन दो ही हैज रिसाइडेड फॉर मोर देन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बोला ना अभी मैंने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ाया बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन पढ़ो क्या लिखा है बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और स्टेट्स आउटसाइड इंडिया फॉर क्या था यहां पे कैरिंग वोकेशन आउटसाइड इंडिया तुमको समझ में आ रहे हैं तो भले ही वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा रहा है लेकिन वो क्या हो चुका है इंडिया छोड़कर जा चुका है तुमको हम देश निकाला कर देंगे तुम मेरे पीआरआई नहीं कहलाओगे क्योंकि तुम इंडिया छोड़कर जा चुके हो तो तुम पीआरआई होगे कि पीआरओआई होगे पीआरओआई बिकॉज यू हैव लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ वोकेशन बिकॉज यू हैव लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ वोकेशन प्रोविजन सुनोगे ध्यान से तो एकदम करेक्ट आंसर दोगे मैंने क्या बोला बट डज नॉट इंक्लूड द पर्सन Who has gone out of India or stays outside India for any of the following three purposes? Number one purpose kya tha? For taking up employment outside India, for doing any business or vocation outside India, for any other purpose, the circumstances of which indicates his intention to stay outside India for an uncertain period. Got it? Chalo, next question. Next question. What if, dhyan se sunna, what if in the above case, राहुल गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर वेकेशन इंस्टेड ऑफ वोकेशन सेम क्वेश्चन है वोकेशन की जगह मैंने इसको वेकेशन कर दिया है अब बताओ इसका आंसर करेक्ट नाउ द आंसर विल बी पीआरआई समझ आ रहा है क्योंकि अब वो वहां जॉब करने नहीं गया वोकेशन के लिए नहीं गया एनी अदर पर्पस के लिए गया तो अगर एनी अदर पर्पस के लिए गया तो हम लोग चेक करेंगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या वो 182 डेज से ज्यादा रहा है हाँ सो देन ही विल बी रिगार्डेड एज अ व्हाट पीआरआई अरे यार मेरे से बात करो क्या हुआ बोलो हाँ हाँ तो हाँ हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस कब का चेक कर रहे हैं नहीं रेसिडेंशियल स्टेटस किस फाइनेंशियल का चेक कर रहे हैं 22-23 का कि 23-24 का 23-24 का ना हाँ तो 182 डेज के लिए हम लोग कंडीशन कब चेक करते हैं करंट का कि प्रीसीडिंग का लेकिन जो गया है वो कब चेक करते हैं करंट का तो अभी करंट में चला गया ना 23-24 में तो तुम देश निकाला कर देंगे तुम देश छोड़ के चले गए तो देश निकाला हुए भले तुम इसके पहले वाले साल में क्या रहे थे यहाँ पे मोर देन 182 डेज उससे मतलब नहीं है तुम देश छोड़ के चले गए ना जॉब के लिए वोकेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए बिजनेस के लिए एनी अदर पर्पस द सर्कमस्टांसेस ऑफ व्हिच इंडिकेट्स हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड कुछ घुसा दिमाग में श्योर श्योर क्लीन बोर्ड मत हो जाना एग्जाम में तुमको ये सारे एग्जाम्पल हम कॉपी में लिखवा देंगे तो क्लीन बोर्ड होने का चांसेस ही नहीं है ना
समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और गेम खेलोगे? चलो खेलते और एक ठो गेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। चलो तीन क्वेश्चन हो, दो क्वेश्चन हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन किसको भेजे? हेमंत कौन है? हेमंत ठीक है, चलो हेमू, हेमू हेमंत, हेमू प्यार से हेमू बोलते हैं इसको। हेमू सुनो, हेमू, अरे ऐसे क्या हंस रहे तुम लोग? हेमू नाम है उसका, पूछ लो उसको घर में हेमू बोलते होंगे कि नहीं, सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तब फिर तो तुमको अच्छा लग रहा है ना हम हेमू बोल रहे हैं, यू आर गेटिंग ऑफेंडेड? तब फिर अच्छा ही तो, हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। इधर आओ हेमू, तुम पता है कहाँ चला गया? कहाँ गया तुम? यूके, यूके गया, यूके एमबीए करने गया अगला। यूके गया क्या करने है? बताओ, एमबीए करने। सुन मारे, कब गया? ही हैज गॉन फर्स्ट टाइम आउटसाइड इंडिया टू यूके फॉर परसुइंग एमबीए फॉर 3 years, फॉर परसुइंग एमबीए फॉर 3 years, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही हैज गॉन टू यूके, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही हैज गॉन टू यूके फॉर परसुइंग एमबीए फॉर द फर्स्ट टाइम। सो हेमू फॉर द फर्स्ट टाइम गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर परसुइंग हिज हायर स्टडीज एमबीए फॉर 3 years टू यूके, ठीक है। नाउ आप मेरे को कमेंट करके बताओगे रेसिडेंशियल स्टेटस 23-24 का और 24-25 का, एंड लेट मी टेल यू ये गया कब है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में चला गया है। समझ में आ रहा है? नाउ यू आर सपोज टू कमेंट ऑन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर 23-24 एंड 24-25। सबसे पहले बात करेंगे 23-24 का। 23-24 के लिए हम लोग को किसका देखना पड़ेगा? प्रिसीडिंग, प्रिसीडिंग यानी कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ? बोलो कौन सा हुआ? 22-23 हुआ ना। अब 22-23 में तुमको क्या लगता है, ये इंडिया में था क्या? कि बोलोगे कांट कमेंट था ना? अरे बोले तो फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर गया है, फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर गया है। 182 क्या? 365 दिन इंडिया में था, विदेश की धरती गाना गाता रहता था। समझ में आ रहा है? पर फिर पता नहीं क्या हुआ, यूके चला गया एमबीए करने, क्लियर, देश की धरती को छोड़कर। तो अब तुम मेरे को बताओ 23-24 में इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? वेरी गुड पीआरआई। क्यों मैम? क्योंकि ये इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मोर देन 182 डेज स्टे किया, एंड द सेकंड पॉइंट इज ही डज नॉट सैटिस्फाई दोस थ्री पर्पस। एजुकेशन के लिए गए, एमबीए के लिए गए, वो भी 3 साल, क्या वो 3 पर्पस के अंदर आता है? हाँ, अगर ये जॉब के लिए जाता, बिजनेस के लिए जाता, तब हम लोग इसको क्या देश निकाला करके पीओआरआई में डाल देते। बट ये तो एजुकेशन के लिए गए, वो भी 3 साल, विच इज नॉट फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द 3 purposes, सो दैट इज व्हाई ही विल बी रिगार्डेड एज अ पीआरआई। वेरी गुड, किसको नहीं समझ में आया तक? क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करेंगे 24-25 का। 24-25 में बताओ मेरे को, वेरी गुड पीआरओआई, क्योंकि मैम ये तो रहा ही नहीं ना, पीआरआई का सबसे पहला कंडीशन तो तुमको चेक करना ही पड़ेगा, ही शुड हैव स्टेड, ही शुड हैव रेसिडेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अरे तो ये तो यहां चला ही गया ना, मान लो मैंने बोला 1 अप्रैल को ही चला गया, 1 अप्रैल 2023 को ही चला गया, या जून को भी गया, तो भी तो 182 डेज का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा ना। तो यहां पे हम लोग तो क्या मान लेंगे बताओ? पीआरओआई। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, अब यहां पे कहानी में एक ट्विस्ट है। तुमको नॉर्मल प्रोविजंस पढ़ा रहे हैं ये, बट एज पर द आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई ने एक सर्कुलर रिलीज किया और एक चीज बोला, तुम लोग एग्जाम में दोनों आंसर लिख कर आना, टू बी ऑन द सेफर साइड। ये तो लिखो गई, कॉन्सेप्चुअली आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया, बट एज पर द आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई ने क्या बोला पता है? कि अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन परस्यू करने के लिए अब्रॉड जाता है, तो ऑब्वियस बात है अगर वो एजुकेशन वहां परस्यू करे तो इंडिया में तो उसको जॉब मिलेगा नहीं, तो यानी वो काम भी वहीं करेगा, उसका कॉस्ट वगैरह भी वहीं पे सब इनकर होगा। तो इन दैट केस दैट इज इंडिकेटिंग द थर्ड पॉइंट, हिज इंटेंशन ऑफ लिविंग देयर फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। समझ में आ रहा? एनी अदर पर्पस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ व्हिच इंडिकेट्स हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड, तो ये वो वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, ये आरबीआई बोला। लेकिन भले ही तुमको यहाँ पे बोल दिया इतना 3 साल, तो 3 साल मतलब तो आ ही जाएगा, बट फिर भी आरबीआई का लिख देना। ऑल्टरनेटिवली आरबीआई ने ये सर्कुलर रिलीज किया कि अगर वो कोई बाहर जाता है कोई पढ़ाई करने के लिए, तो हम लोग मानते हैं कि उसका थर्ड पर्पस में फॉल करेगा। अगर वो थर्ड पर्पस में फॉल करेगा तो फिर तुम यहाँ पे भी इसको क्या बना दोगे? पीआरओआई। वेरी गुड, यहाँ पे भी क्या बना दोगे? पीआरओआई। यहाँ के लिए तो पीआरओआई होगा ही, यहाँ के लिए भी क्या बना दोगे? पीआरओआई। समझ में आ रहा है? करते करते समझ में आ जाएगा, इट्स नॉट टफ, क्लियर है? तुमको दो कंडीशन चेक करना है। एक कंडीशन तो क्या चेक करना है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या वो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहा है क्या, और दूसरा वो 3 पर्पस में फॉल नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तब वो क्या हो जाएगा? पीआरआई। लेकिन अगर वो 3 पर्पस के लिए इंडिया को छोड़ के गया है, तो हम लोग क्या मान लेंगे? भले ही वो 182 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रहा होगा, तो भी क्या मान लेंगे? पीआरआई। मैम वो 3 कंडीशन क्या है? ही गोज आउट ऑफ इंडिया, ही गोज आउट ऑफ इंडिया और स्टेज आउटसाइड इंडिया फॉर
फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, फॉर बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया, या फिर फॉर एनी अदर पर्पज द सर्कमस्टांसेस ऑफ विच इंडिकेट्स हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया, रिसाइड आउटसाइड इंडिया फॉर आई डोंट नो अनसर्टेन पीरियड. बोलो, मैनेजेबल. खत्म नहीं हुआ दोस्त प्यारे का डेफिनेशन. यहां तक क्लियर है क्या? बोलो जो अभी तक पढ़ा एक बार वापस बोलो साथ साथ मेरे. पीआरआई मींस अ पर्सन हु, पर्सन मींस हु रिसाइडेड, हु रिसाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और स्टेट्स आउटसाइड इंडिया फॉर एनी अदर पर्पज अदर देन द फॉलोइंग थ्री पर्पज. कोई दूसरा पर्पज के लिए जाओगे तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीन पर्पज के लिए जाओगे देन यू विल नॉट रिगार्ड एज अ पीआरआई. वो तीन पर्पज ऑलरेडी हो चुका है. शुड आई रिपीट अगेन? वेरी गुड. सुनो यहां तक क्लियर है, अब आगे डेफिनेशन चले हम लोग. सुनो, और किसको इंक्लूड नहीं करेगा? इट विल ऑल्सो नॉट इंक्लूड अ पर्सन. जैसे ऐसा भी तो हो सकता है फिरंगी लोग इंडिया में आए हैं. तुम लोग जब बाहर हनीमून मनाने जा सकता है, फिरंगी लोग इंडिया में नहीं आ सकता वेकेशन मनाने, घूमने, सुन मारे वो लोग भी तो आ सकता है. तुम लोग अपना वेकेशन के लिए बाहर जा रहे हो, लोग नहीं आएगा इंडिया में, तो क्या उन लोगों को पीआरआई में डाल दोगे? उन लोग छुट्टी के लिए आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तुम लोग पीआरआई में डाल लोगे? बताओ, पीआरआई में डालना चाहिए उसको हिसाब से. कब डालना चाहिए बताओ? तो सेम वही तीन केस कि अगर वो लोग इंडिया में क्यों आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, वोकेशन के लिए, या एनी अदर पर्पज द सर्कमस्टांसेस ऑफ विच इंडिकेट्स हिज इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड. जबरदस्त, समझ मारे? तो किसको इंक्लूड नहीं करेगा? फॉर एनी, इट डज नॉट इंक्लूड द पर्सन हु हैज कम और स्टेज इन इंडिया इन आइदर केस. आइदर केस मतलब वही हनीमून मनाने, घूमने, गरीबी देखने. हाँ, फोन लोग ऐसा बोलते हैं, देखो रिक्शा वगैरह का फोटो खींचेंगे, गरीब देखना स्लम्स में जा जाके फोटो खींचेंगे. क्या तरीका है भाई ये? इन लोग को पहले देश निकाला करना चाहिए. तो इसलिए तो बोले पीआरआई का डेफिनेशन में लोग को नहीं डालेंगे, लेकिन कब डाल देंगे? अदरवाइज. अदरवाइज क्या? ये सब केस में तो नहीं डालेंगे. अदरवाइज देन द फॉलोइंग थ्री केसेस, यानी ये तीन केस में लोग उसको पीआरआई मानेंगे. किस पर्पज में? फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, फॉर कैरिंग आउट बिजनेस और वोकेशन इन इंडिया, या फिर फॉर एनी अदर पर्पज द सर्कमस्टांसेस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड. तुम अगर इंडिया छोड़ के जाओगे ये सब तीन पर्पज के लिए, तुमको देश निकाला करेंगे, पीआरआई नहीं मानेंगे. वो अपना देश को छोड़कर यहां ये तीन पर्पज के लिए आएंगे, तो उसको देश अंदर करेंगे, पीआरआई मान लेंगे. तुम अगर ये तीन पर्पज के लिए देश छोड़ के जाओगे, तुमको देश निकाला करेंगे, पीआरओआई. फिरंगी अगर अपना देश छोड़कर हिंदुस्तान आएंगे, देश के अंदर कर लेंगे उसको, पीआरआई. किस पर्पज के लिए? ये तीन पर्पज के लिए. तुमको समझ में आया अभी? क्योंकि लोग यहां स्टे करेगा ना, क्या चीज के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, या बिजनेस के लिए, या वोकेशन के लिए, या एनी अदर पर्पज द सर्कमस्टांसेस ऑफ विच इंडिकेट्स हिज इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड. लिव इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, रिसाइड इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड. समझ गए क्या? चलो एक एग्जाम्पल और पूछते तुम लोग से, जवाब देना इसका. चलो मेरे सवालों का जवाब दो. एग्जाम्पल, टोनी स्टार्क. अब आयरन मैन में तो रहा नहीं ना वो, उसका कैरेक्टर खत्म हो गया, चुटकी बजा दिया, सुनवा रहे? छोड़ो, इधर आओ. टोनी स्टार्क केम टू इंडिया एंड रिसाइडेड इन इंडिया, बॉलीवुड में एंट्री मार लिया, बॉलीवुड में फॉर 200 डेज फॉर एम्प्लॉयमेंट. रुक तो जाओ, चौबीस पच्चीस में आया, 23-24 कर दो, नहीं तो फिर बहुत आगे चले जाएंगे हम लोग. 23-24 कर दो. कब आया बताओ? चलो अब तुमसे दो क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे को आंसर देना, ठीक है? यानी 23-24 फाइनेंशियल ईयर में क्या वो 200 दिन रहा है? चलो, रेसिडेंशियल स्टेटस आपको बताना है मेरे को टोनी स्टार्क का 23-24 के लिए और 24-25 के लिए. चलो बताओ. अच्छा, ये फर्स्ट टाइम है मतलब इंडिया में, तुम समझ गए ना? 23-24 में एक बात बताओ, चेक करने के लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा? प्रिसीडिंग देखना पड़ेगा.
यानी कि कौन सा डेटा देखना पड़ेगा, 22, 23 में तो था ही नहीं इंडिया में, ये तो इंडिया के कहां था, बाहर, तो इन दैट केस ये तो इंडिया में 182 डेज रहा ही नहीं है, तो वो वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो, वो कंडीशन तो सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा पीआरआई करने के लिए, वही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तब तो ये 23, 24 के लिए तो 100% क्या है पीआरओआई, क्या मेरे को बताओ पीआरओआई, कोई दिक्कत यहां तक। अब हम लोग चेक करेंगे 24, 25 के लिए, तो उसके लिए मेरे को इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी कि 23, 24 का डेटा चाहिए। 23, 24 में क्या ये 182 डे से ज्यादा रहा है इंडिया में, कितना दिन रहा है, 200 दिन रहा है, और ये अपना देश छोड़ के यहाँ क्या करने आया है, एम्प्लॉयमेंट, ही इज फॉलिंग अंडर दोज थ्री पर्पजेस, तब बताओ क्या होगा ये, वेरी गुड, क्या होगा पीआर, थैंक यू, वेरी गुड। अभी यही अगर हम कहानी में ट्विस्ट ला देते और हम बोलते टोनी स्टार्क मिसेस टोनी स्टार्क के संग वेकेशन के लिए आया है हिंदुस्तान में और 200 दिन भी रहा है, तब ये वाला तो पीआरआई होता, ये वाला भी पीआरआई हो जाता, तुम समझो, क्योंकि वो अपना कंट्री को छोड़कर यहां परमानेंटली बसने नहीं आया है, जॉब करने नहीं आया है, घूमने आया है यार, तो अगर कोई घूमने आया है तुम उसको पीआरआई बना दोगे क्या, कोई फिरंगी आज भारत घूमने आएगा आदिल के संग, तुम उसको पीआरआई बना दोगे क्या, नहीं ना, लेकर आते रहते ना फिरंगी लोग को, तो क्या वो पीआरआई बन गई क्या, नहीं वो पीआरआई रहेगी, आदिल भले ही पीआरआई रहेगा वो क्या रहेगी, पीआरआई, समझे कि नहीं बताओ, श्योर, शुड आई रिपीट दिस एग्जांपल, एक बार देख लो, मिस्टर टोनी स्टार्क फिरंगी केम टू इंडिया, रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 200 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो 23-24 का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए आपको प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का चेक करना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज, तो वो तो भाई उस समय कहां पे था, यूएस में था, वो इंडिया में था ही नहीं ना, तो इन दैट केस वो क्या रहने वाला है पीआरआई। हाँ, अब लेकिन 24-25 के लिए मेरे को 23-24 का स्टे चेक करना पड़ेगा, 23-24 में क्या वो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहा है, हाँ रहा है ना 200 दिन, और किस पर्पज के लिए, उसका पर्पज क्या है, क्या वो तीन पर्पज है, अगर तीनों में से एक पर्पज है तब तो उसको देश अंदर कर लेंगे, देश निकाला की जगह पीआरआई में घुसा देंगे, और यहां बोला है यार किसके लिए है, जॉब करने, समझ मारे, अब उसको बॉलीवुड में बोल रखेंगे, हॉलीवुड वाले लोग उसको निकाल दिया, बॉलीवुड में आएगा, इंडिया बॉलीवुड में आएगा, तो उसको रहना पड़ेगा, जॉब वगैरह कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में है, सो इन दैट केस क्या मान लिया उसको पीआरआई। अगर यही मैं एम्प्लॉयमेंट की जगह वेकेशन कर देती तो क्या हो जाता पीआरओआई, यही मैं वेकेशन की जगह वोकेशन कर देती तो क्या हो जाता पीआरआई, श्योर, पक्का, चलो क्लियर है, तो यहां तक खत्म नहीं हुआ पीआरआई का डेफिनेशन, अभी यहां तक क्लियर है पीआरआई का डेफिनेशन, अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, और भी कौन इंक्लूड होता है, पीआरआई शैल ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग पर्सन, पीआरआई शुड ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग पर्सन, किसको, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल हम कौन है, पर्सन इंडिविजुअल है, हम हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं, तुमको क्या लगता है, तुम लोग छोड़ता ही नहीं तो कहां जाएंगे हिंदुस्तान के बाहर, हिंदुस्तान में जाएंगे भी तो वेकेशन के लिए जाएंगे, कौन सा धंधा करने जाएंगे, सोनमार है, यानी कि हम तो पीआरआई है ही, हम तो पीआरआई है ही, जो बॉडी कॉर्पोरेट है एमईपीएल, क्या वो भी पीआरआई माना जाएगा, हाँ बिकॉज इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, क्योंकि वो कहां इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया में ना, तो एमईपीएल इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एमईपीएल मोहित डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड क्या इन इंडिया, तो हम तो है ही अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में पीआरआई, एमईपीएल भी क्या है पीआरआई, क्यों, क्योंकि वो क्या है इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। मैम हम लोग आपके लिए तो देख रहे थे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अब 182 से ज्यादा इंडिया में हो कि नहीं, तो हम लोग एमईपीएल के लिए नहीं देखेंगे क्या कि 182 से ज्यादा है कि नहीं इंडिया में, अरे बॉडी कॉर्पोरेट क्या घूमने चला जाता है क्या, एमईपीएल घूमने जाता है इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट कैन घूम, कैन मूव फ्रीली, सोनमारे घूमने जाएगा वो, तो उसके लिए 182 का कंडीशन कैसे चेक करेंगे, द कंडीशन इटसेल्फ इज एनफ कि वो इनकॉर्पोरेटेड कहां हुआ इंडिया के अंदर, तो क्या मान लिया जाएगा उसको पीआरआई। ओके मैम गॉट इट, ठीक है समझ गए, या फिर एनी ऑफिस और ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, फॉर एग्जाम्पल कोई एक फिरंगी कंपनी है, फिरंगी कंपनी ने अपना ब्रांच हिंदुस्तान में खोला है, ब्रांच है कहां, ब्रांच है कहां, हिंदुस्तान में, कंट्रोल कौन कर रहा है, फिरंगी, तो भी हम लोग है कहां, वो तुम देखो ओरिजिन कहां है उसका, है कहां हिंदुस्तान में, तो उसको क्या मान लेंगे पीआरआई, भले उसको कंट्रोल कौन कर रहा है पीआरओआई, भले उसको कंट्रोल कौन कर रहा है पीओआई, फिरंगी कंट्रोल कर रहा है, समझ में आ रहा, लेकिन हम लोग को मतलब नहीं है उसका ब्रांच कहां पे है, कोई भी ब्रांच ऑफिस एजेंसी अगर इंडिया में है, सिचुएटेड इन इंडिया, मे बी कंट्रोल्ड ओन्ड बाय पीआरआई और पीओआई आउटसाइड इंडिया, उससे हम लोग को मतलब नहीं, इंडिया में है ना, जब तक एजेंसी ब्रांच ऑफिस कहां पे है इंडिया, उसको हम लोग क्या मान लेंगे पीआरआई, दैट्स इट, समझ में आ रहा, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में अपना ब्रांच खोला तो है तो इंडिया में ना, कंट्रोल कौन कर रहा है उसको, माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या मानेंगे पीआरआई, किसको, जो ब्रांच खुला है कहां पे इंडिया में,
तीसरा एनी ऑफिस ब्रांच एजेंसी आउटसाइड इंडिया, अब ये इंडिया के बाहर है, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय या पीआरआई, एक तो जो इंडिया में वो तो इंडिया का ही रहेगा पीआरआई, और ऐसा ब्रांच ऑफिस, अब मान लो एमईपीएल लंदन में एक ब्रांच खोल लिया, एमईपीएल लंदन में एक ब्रांच खोला, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है उसको, कंट्रोल कौन कर रहा है एमईपीएल, वो कौन है पीआरआई, और वो बाहर खोला है, तो एक ऐसा ब्रांच जो हिंदुस्तान के बाहर है लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है पीआरआई, तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा पीआरआई। ऐसा ब्रांच जो इंडिया में है भले उसको कोई भी कंट्रोल करे फिरंगी पीआरओआई पीआरआई होगा, या ऐसा ब्रांच जो हिंदुस्तान के बाहर है लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है पीआरआई, उसको भी क्या मान लिया जाएगा पीआरआई। बोलो आर्बिट्रेशन विद दिस और नॉट, एमईपीएल इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया पीआरआई होगा क्या, दिस फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड इन इंडिया इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांच इंडिया में है भले उसको माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल कर लेकिन ब्रांच है कहां इंडिया, तो जो ब्रांच उसको क्या मान लिया जाएगा पीआरआई। या फिर ऐसा ऑफिस जो कहां है इंडिया के बाहर है लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है हिंदुस्तानी, एमईपीएल अपना ब्रांच लंदन में खोला, कंट्रोल कौन कर रहा है एमईपीएल, एमईपीएल कौन है पीआरआई, तो ब्रांच आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल बाय पीआरआई विल आल्सो बी रिगार्डेड एज पीआरआई। पढ़ो समझ में आया कि नहीं, सो दिस कंप्लीट्स योर डेफिनेशन ऑफ व्हाट पीआरआई। आर वी थ्रू विद दिस, एक एग्जांपल पूछे पक्का, सुनो कोई मतलब नहीं है ब्रांच, क्या क्या बोला बताओ मैंने, एनी ऑफिस ब्रांच एजेंसी, क्या बोला देखो एनी ऑफिस ब्रांच एजेंसी, कुछ भी सब चलेगा ठीक है। चलो अब मेरे को जवाब दोगे आप इसका, फॉर एग्जाम्पल मान लो कंपनी एक जापानीज कंपनी है ठीक है, कौन सा कंपनी है बताओ, एक जापानीज कंपनी, देयर इज अ जापानीज कंपनी जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, जापानीज कंपनी का हेड ऑफिस बताओ कहां पे, मुंबई, जापानीज कंपनी का हेड ऑफिस कहां पे, मुंबई, इट इज कंट्रोलिंग इट्स ब्रांच इन सिंगापुर, ये जो मुंबई हेड ऑफिस है ना ये सिंगापुर का ब्रांच को कंट्रोल कर रहा है। मेरे को तुम लोग बताओगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ दिस मुंबई हेड ऑफिस एंड दिस सिंगापुर ब्रांच, मुंबई मतलब क्या हो गया इंडिया में हो गया क्या, तो कुछ भी इंडिया में रहेगा भले वो किसका है फिरंगी का है बट इंडिया में तो है ना, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, वेरी गुड, तो ये तो क्या हो गया पीआरआई। और सिंगापुर वाला ब्रांच को कंट्रोल कौन कर रहा है, मुंबई हेड ऑफिस, और मुंबई हेड ऑफिस कौन है पीआरआई, तो भले ही ये कहां है इंडिया के बाहर लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है पीआरआई, तो सिंगापुर वाला ब्रांच को भी क्या मान लिया जाएगा पीआरआई, वेरी गुड। आर वी थ्रू विद दिस, क्लियर पक्का, चलो वेरी गुड। चलो अब दो तीन टू एग्जांपल जो है ना डायरेक्टली हम लोग यहां से पढ़ेंगे, एक बार इधर आओ ना ये वाला फ्लो चार्ट से आपको और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेट अस रीड दिस फ्लो चार्ट। रेसिडेंशियल स्टेटस इज डन, वापस से बताओ पीआरआई का डेफिनेशन कहां दिया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज वी, पीआरआई का डेफिनेशन कहां दिया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज वी, पीआरआई का डेफिनेशन में क्या क्या बोला वापस से बताओ मेरे को, पीआरआई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मींस अ पर्सन हु रिसाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया स्टेट्स आउटसाइड इंडिया फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री पर्पजेज, फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, फॉर जॉब, फॉर बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया, फॉर एनी अदर पर्पज द सर्कमस्टांसेज ऑफ विच इंडिकेट्स हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, एंड ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु कम्स इन इंडिया, बाहर से आ रहा है, हु कम्स इन इंडिया और स्टेज इन इंडिया फॉर एनी अदर पर्पज अदरवाइज देन द फॉलोइंग थ्री पर्पज, फॉर employment in India, for business vocation in India, for any other purpose, the circumstances of which indicates his intention to stay in India for an uncertain period. यानी ये तीन केस में उसको हम लोग देश अंदर कर लेंगे, देश निकाला की जगह, यानी PRI में ले लेंगे। हाँ छुट्टी वगैरह मनाने आ रहा है फिरंगी, तो हम लोग उसको किस में डालेंगे, PROI। Are we through with this? फिर और क्या बोला, the following person shall also be regarded as PRI. Number one, a person or a body corporate registered or incorporated in India. क्लियर, या फिर एनी ब्रांच ऑफिस एजेंसी इन इंडिया सिचुएटेड इन इंडिया कंट्रोल्ड ओन्ड बाय या पीआरओआई, या फिर एनी ब्रांच ऑफिस एजेंसी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय या पीआरआई। बोलो ये हो गया पीआरआई, पीआरआई तो वेरी सिंपल, पीआरआई मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ पीआरआई, पीआरआई मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ पीआरआई, सेक्शन 2 क्लॉज डब्ल्यू, पीआरआई वी, पीआरओआई डब्ल्यू, याद रहेगा। चलो ये वाला फ्लो चार्ट देखते और क्लियर हो जाएगा। ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, हम लोग को सबसे पहले क्या चेक करना है रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर डिड ही रिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज,
अगर हाँ यस तो हम लोग सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, डिड ही गो आउट और स्टे आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द करेंट ईयर। अगर नहीं गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो क्या रहेगा पीआरआई। अगर नहीं गया तब तो पीआरआई है, मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तुम 182 डेज से ज्यादा इंडिया में हो और तुम करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया छोड़कर भी नहीं गए तब तो तुम पक्का क्या हो पीआरआई। अब हम लोग चेक करेंगे क्या तुम लोग इंडिया छोड़ के गए हो किस पर्पस के लिए। अगर वो तीन पर्पस के लिए है तब तो फिर तुम किस में चले जाओगे पीआरआई। अगर वो तीन पर्पस में नहीं है तब तो तुम किस में आ जाओगे पीआरआई। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना, वो इंडिया में आया है क्या, और क्या इंडिया में 182 डेज रहा है लेकिन कहां बाहर से आकर रहा है क्या। डिड ही कम टू स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द करेंट ईयर, यस। अगर वो तीन पर्पस के लिए आया है तब तुम लोग क्या मान लेंगे पीआरआई, लेकिन अगर वो तीन पर्पस के लिए नहीं आया तब क्या होगा पीआरआई, और अगर रहा ही नहीं 182 डेज के लिए तब भी क्या रहेगा पीआरआई। बोल आर वी थ्रू विद दिस ऑर नॉट, कोई डाउट है क्या यहां तक? चलो क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। तुम लोग चिंता मत करो, पूरा का पूरा क्वेश्चन जितना भी मैंने केस स्टडी डिस्कस किया सब तुम्हारे कॉपी में हम अभी लिखवाएंगे। अभी ये थोड़ा बहुत देख ले क्वेश्चन एक बार, सेम जो बोला वही है। देखो, इफ अ पर्सन रिसाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द, पढ़ो क्या लिखा, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 देन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 पर्सन को क्या मान लिया जाएगा इंडियन रेसिडेंट। 2021-22 के लिए तुम क्या देखोगे, 2021 का डेटा ना, तो 2021 में वो कहां है, मोर देन 182 डेज इंडिया में है, तो क्या बोला 2021-22 के लिए क्या मान लिया जाएगा उसको इंडियन रेसिडेंट। और 2021 के लिए क्या होगा, इट विल डिपेंड अपॉन कि 1920 में वो इंडिया में था कि नहीं था। कंट कमेंट वाला सिचुएशन, समझ में आ रहे हैं? बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। चलो रीड द क्वेश्चन, मिस्टर एक्स हैड रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 फॉर लेस देन 182 डेज, कम है 182 डेज से। ही हैड कम टू इंडिया ऑन अप्रैल 120, फिर अप्रैल 1 तारीख को अप्रैल 2020 को बिजनेस कैरी करने के लिए आ गया इंडिया में परमानेंटली। परमानेंटली नहीं आया, वो बोल रहा बिजनेस को छोड़ देगा अप्रैल 30, 2021 में, यानी उसका इंटेंशन है कि इंडिया में स्टे करने का, एंड लीव इंडिया छोड़ भी दिया 30 जून 2021 को। फाइनेंशियल ईयर 2021 का पहले रेसिडेंशियल स्टेटस पूछ रहा है। 2021 के लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा, 1920 में क्लियरली लिखा है क्या है, लेस देन 182 डेज, तो क्या मान लोगे पीआरओआई, कोई दिक्कत है? अब तुमको बोल रहा है 2021-22 के लिए, तो 2021-22 के लिए तुम किसका डेटा चेक करेगा बताओ, 2021 का। तो 2021 में तो पूरा ही साल रहा है, देखो पूरा ही साल रहा है, 182 से ज्यादा ही रहा है, लेकिन एक बात बताओ क्या वो थ्री पर्पस में फॉल कर रहा है क्या, ये तो इंडिया क्या करने जा रहा है, छोड़ के जा रहा है ना हमेशा के लिए। सो इन दैट केस क्या इसको हम पीआरआई बोल सकेंगे क्या, नहीं बोल पाएंगे ना। अगर यहाँ पे ये लिख देता कि वो नहीं छोड़कर जाएगा, परमानेंटली रहेगा बिजनेस के लिए, तब तो हम क्या बोलते पीआरआई, बट इसके समय वो क्या मान लिया जाएगा पीआरओआई। भले ही वो 182 डेज स्टे किया है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन वो क्या नहीं सेटिस्फाई किया, वो थ्री पर्पस ना, समझ मारे क्या वो बिजनेस के लिए रहेगा क्या, तो पीआरआई हो गया ना। और यहां बताते हैं आंसर गलत दिया इंस्टीट्यूट का मैट में, इंस्टीट्यूट का मैट का सवाल गलत आंसर है, ठीक है। चलो आगे चले, लेट अस गो अहेड, रीड द क्वेश्चन, मिस्टर जेड हैड रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, ही लेफ्ट इन इंडिया, सेम क्वेश्चन, ही लेफ्ट इंडिया ऑन 1st of August 2020, कब छोड़ के गया, 1st August 2020 फॉर यूएस फॉर परसुइंग हायर स्टडीज फॉर 3 years, सेम क्वेश्चन ही अलग है जो मैंने एमबीए वाला नहीं दिया था एग्जाम्पल। इंडिया में रिसाइड किया 1920 में, इंडिया छोड़कर कब गए, 1st August, यानी 1920 फाइनेंशियल ईयर जो है, 1920 फाइनेंशियल ईयर तो इंडिया में ही था वो, बताओ 1920 फाइनेंशियल ईयर में तो इंडिया में ही था, यस और नो? वो तो कब गया है, 1920 फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31st March 2020 ना, और वो तो कब गया है छोड़कर, अगस्त 2020 में, हायर स्टडीज के लिए गया 3 साल के लिए। अभी इसका रेसिडेंशियल स्टेटस आपको बताना है 2021 में, तो 2021 में तो तुम किसको देखोगे, कौन सा डेटा देखोगे बोलो, 1920, तो 1920 में क्या वो इंडिया में था, हाँ 1920 में तो इंडिया में था ही, तो उसके लिए क्या हो गया। और 2021-22 के लिए तुम किसको देखोगे, 2021, तो 2021 में तो 1 अगस्त को ही छोड़ दिया, तो मार्च से अगस्त तो 182 डेज सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, समझ मारे क्या बोल रहे हैं। और दूसरा बात और एक चीज देखो क्या लिखा है, हायर स्टडीज, अब बताओ इसका आंसर क्या मान लिया जाएगा पीआरओआई, इसके लिए तो क्या होगा पीआरओआई, कोई दिक्कत, क्योंकि 182 डेज वाला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ। लेकिन मैंने तुमको क्या बोला, अगर एक बच्चा हिंदुस्तान छोड़ के स्टडीज के लिए जाता है तो आरबीआई का सर्कुलर आया है कि फिर उसको इसके लिए भी क्या मान लेंगे हम लोग पीआरओआई, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भी क्या मान लेंगे पीआरओआई। देखो क्या लिखा है,
Mr. Z has resided during the financial year 1920 na, for more than 182. He has gone out of India for employment or carrying on business. ठीक है. Accordingly, he would be a person resident in India during the financial year. क्या बोला था मैंने? 2021. Yes or no? लेकिन फिर मैंने तुमको क्या बोला कि RBI ने एक सर्कुलर लाया है कि अगर तुम एजुकेशन के लिए जा रहे हो, मतलब इज इक्वल कि तुम वो तीन पर्पस के लिए जा रहे हो, तुमको उसके लिए क्या मान लिया जाएगा? नॉन रेसिडेंट. ये वाला में तो PRI होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. 21-22 के लिए तुमको डाउट कहां हो रहा है? 2021 हम लोग जो प्रोविजन पढ़े उसके हिसाब से तो क्या है? PRI. लेकिन RBI का जो सर्कुलर आया उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? PRY. तो तुम दोनों बात लिख कर आना एग्जाम. कुछ समझ में आता है? नहीं. कुछ बच्चे जो है रिएक्ट ही नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे एकदम. चलो अब हम जिसे पूछेंगे वो खड़ा होकर आंसर देगा. यश खड़ा हो, आंसर दो. टॉय लिमिटेड इज अ जापानीज कंपनी हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट इज अ रोबोटिक यूनिट विथ इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई. एक जापानीज कंपनी है लेकिन उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और उसका ब्रांच का है सिंगापुर. हेडक्वार्टर एट मुंबई कंट्रोल्स अ सिंगापुर ब्रांच. रेसिडेंशियल स्टेटस आपको बताना है मुंबई वाला रोबोटिक यूनिट का और सिंगापुर वाले ब्रांच का. तो मुंबई वाला रोबोटिक यूनिट क्या हो गया? एक ब्रांच हो गया जापानीज कंपनी का, लेकिन सिचुएटेड कहां पे है वो? इंडिया. वेरी गुड. तो वो क्या रहने वाला है? PRI. क्योंकि इट फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ डेफिनेशन? एनी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी सिचुएटेड इन इंडिया कंट्रोल्ड बाय या PROI. कंट्रोल्ड बाय या तो PROI है ना, जापानीज कंपनी. अब मेरे को सिंगापुर ब्रांच के लिए बताओ, PRI होगा क्यों? भले आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल कौन कर रहा है इसको? PRI. इसको कंट्रोल मुंबई वाला ब्रांच, मुंबई वाला हेड ऑफिस कर रहा है ना. मुंबई वाला हेड ऑफिस क्या है? PRI. सो दैट इज वाई दिस विल बी ऑल्सो वॉट? PRI. वेरी गुड, सिट डाउन. चलो अब ये वाला आंसर मेरे को देगा सौरभ प्रियो. ठीक है अभी. चलो रीड दिस. हम तुमको गारंटी के संग बोल सकते हैं कि तुम इसका आंसर गलत दोगे. अगर तुम सही दे दिए तो मतलब तुम कोई भगवान के दूत हो धरती पे. इधर आओ. अच्छा बैठ के देख लो, जब आंसर दोगे तब खड़े हो जाना. बैठ जाओ मिस. बच्चा लंबा है, दिख नहीं रहा है बच्चों को पीछे. ठीक है. मिस आलिया इज एन एयर होस्टेस अंडर द ब्रिटिश एयरवेज. आलिया एक एयर होस्टेस है ब्रिटिश एयरवेज के अंडर. यहां तक कोई डाउट है? शी फ्लाइज फॉर 12 डेज इन अ मंथ एंड देयर आफ्टर टेक्स अ ब्रेक ऑफ 18 डेज. यार ऐसा जिंदगी हमको भी दे दो. 12 दिन पढ़ाना है, 18 दिन आराम करना है. पूरे 12 दिन काम करती है, 18 दिन आराम लेती है. सुनवा रहे? तुमको भी ऐसा जिंदगी अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा. क्यों? हाँ तो क्या हुआ? तो ऐसे भी तो जॉब करोगे, घर के बाहर ही रहोगे. तुमको 18 दिन कुछ नहीं करना, आराम से चलो. हाँ चिल मारना बस. शी फ्लाइज फॉर 12 डेज. अरे फ्लाइज मतलब क्या? हाउस फ्लाई थोड़ी है शी फ्लाइज. मतलब एरोप्लेन में फ्लाई कर रही है. स्पाइडर वुमेन थोड़ी है वो. शी फ्लाइज फॉर 12 डेज इन अ मंथ एंड उसके बाद ब्रेक ले रही है 18 दिन के लिए. ड्यूरिंग द ब्रेक. अच्छा ये ब्रिटिश एयरवेज है ना, PROI है. ड्यूरिंग द ब्रेक शी इज एकोमोडेटेड इन अ बेस विच इज नॉर्मली द सिटी वेयर द एयरलाइन इज हेडक्वार्टर्ड और फॉर सिक्योरिटी कंसिडरेशन बेस उसका मुंबई में. यानी बेचारी को 18 दिन मुंबई में रहना पड़ता है. समझ में आ रहा है? हर एक महीना में 18 दिन वो कहाँ रह रही है? मुंबई. यानी 12 महीना में वो कितना दिन मुंबई में रह रही है? 18 × 12. अरे 12 महीना होता है ना साल में, कितना है? 216. क्या 216? तो मोर देन 182 डेज इंडिया में रह रही है मुंबई में. ओ माई गॉड. ठीक है. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शी वॉज एकोमोडेटेड. लिख भी दिया मुंबई में मोर देन 182 डेज वो रह रही है. शी वॉज एकोमोडेटेड. वॉट वुड बी हर रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा? बताओ. चीटर लोग आंसर देख रहे हो. बोलो. एम्प्लॉयमेंट के लिए बताओ. आप हाँ टेक योर टाइम गाइस, टेक योर टाइम. वो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रह रही है. डू यू एग्री और नॉट? थ्री पर्पज है कि नहीं तुम चेक करो. थ्री पर्पज है कि नहीं? थ्री पर्पज एम्प्लॉयमेंट था ना, तो है कि नहीं देख लो. काम के सिलसिले में ही तो रह रही है. काम के सिलसिले में ही तो रह रही है. हाँ तो काम ही है ना उसका. ब्रेक मतलब क्या? वो तो मुंबई बेस में तो उसका वही है ना.
बोलो क्या होगा इसका आंसर? PRI, उधर लास्ट बेंच बोलो ना, PRI, PRI, हाँ बोलिए ना, PRI, PROI, स्नेहा, PROI, OI, पलक, यश, PROI, 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 तुम समझो ये बच्चे पता क्यों आंसर दे, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए थे, तो हम लोग कुछ तो अलग होगा, हम लोग जो सोच रहे हैं उसका उल्टा आंसर देना है, प्यारा ही मन में आ रहा है, रोकना है मन को, उल्टा आंसर देना है। तुम लोग नॉर्मली देखो लॉजिकली करेक्ट है, प्यारा ही होना चाहिए, बट तुमको अभी ये एग्जाम में आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में गलत मत करके आना। यहाँ पे ये नौकरी किसके यहाँ कर रही है? ब्रिटिश एयरवेज, समझ मार है, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया तो नहीं है ना, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के लिए क्या? वो तीन पर्पज क्या था? फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो ये फिरंगी है, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, इंडिया में मजबूरन रहना पड़ रहा है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसाइड, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड रिसाइड एंड स्टे, और यहाँ पे शी इज स्टेइंग, देखो एकोमोडेट किया जा रहा है, जबरदस्ती उसको रहना पड़ रहा है, एकोमोडेट, शी इज नॉट विलिंगली रिसाइडिंग हियर इन इंडिया एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हाँ अगर तुम ये बोलते कि मैम ये ना मुंबई हेड ऑफिस जो है ना, मुंबई हेड ऑफिस के एम्प्लॉयमेंट की वजह से ब्रिटिश एयरवेज का वो इंडिया में रह रही है, शी हैज बीन एम्प्लॉयड नॉट अंडर ब्रिटिश एयरवेज बट शी हैज बीन एम्प्लॉयड अंडर अ मुंबई ब्रांच ऑफ ब्रिटिश एयरवेज, उसके सिलसिले में वो इंडिया में रह रही है इतना दिन, तब उसको मान लिया जाता PRI। समझ में आ रहे हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे देखो क्या वर्ड यूज किया है, देखो रिसाइड वर्ड नहीं बोला है, देखो क्या बोला है, शी इज एकोमोडेटेड इन द बेस, समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? तो भले इसका 180 डिग्री से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, लेकिन इन दिस केस क्या बोला जा रहा है कि शी हैज नॉट कम टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट कर रही है क्या? वो तो किसके किसके लिए काम कर रही है? ब्रिटिश एयरवेज, वो इंडिया के एम्प्लॉयमेंट में है ही नहीं ना, या ना उसका इंटेंशन इंडिकेट करे टू स्टे हियर फॉर क्या अनसर्टेन पीरियड, एंड देयरफॉर सच पर्सन आर नॉट कंसिडर्ड एज PRI इंडियन रेसिडेंट इवन इफ देयर स्टे क्या एक्सीड्स 182 डेज इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है? शी इज हाउएवर एम्प्लॉयड इन कहां? यूके। इफ हाउएवर शी हैज बीन एम्प्लॉयड इन कहां? मुंबई ब्रांच, तो यूके में एम्प्लॉयड है ना, मुंबई ब्रांच में होती तब हम लोग उसको क्या मान लेते? PR, तब हम लोग उसको क्या मान लेते? PRI। बोलो क्लियर है क्या यहां तक? श्योर, मैनेजेबल? क्या फिर से बोलो? इंडिया का कोई ब्रांच अगर बाहर है और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? PRI, तो वो PRI होगा। हाँ तो अगर वो PRI है और अगर वो काम कर रहा है, अगर वो बेस में, तो भी PRI हो जाएगा फिर, क्योंकि इंप्लॉयमेंट PRI हो गया ना वो। वेरी गुड क्वेश्चन, बट यहां तो ऐसा कुछ बोला नहीं है ना, तो वी आर अज्यूमिंग इट PROI ओनली ना, समझे क्या पूछिए? छोड़ दो, उतना आएगा नहीं, तुमको जितना समझाएगा तुम उतना समझ गए हो ना। आर वी थ्रू विद दिस? चलो अब ये जितना भी एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्या ये हम लोग लिख ले कॉपी में अच्छे से, ताकि भूलने का कोई गुंजाइश ही नहीं रहे, एक बार रिवाइज करोगे सारा प्रोविजन ही रिकॉल हो जाएगा। चलो आ जाओ लिख लेते हैं। बोलो यूट्यूब वाले बच्चे क्लियर है? लाइक बटन वगैरह हिट कर दो दोस्तों, लाइक बटन हिट कर दो बेशरम लोग। शॉर्ट्स देखा आज का? शॉर्ट्स देखा आज का? तुम्हारे लिए कल एक जबरदस्त शॉर्ट्स बनाए हैं, ठीक है? एक ऐसा शॉर्ट है जिसमें तुम आंसर करोगे, आंसर करना उसका, बिग फोर से रिलेटेड है, कल आएगा, कल कल वाला शॉर्ट मिस मत करना, जबरदस्त होने वाला, और उसका एपिसोड आएगा कल से, जो मैं शॉर्ट स्टार्ट करूँ देयर विल बी एन एपिसोड फॉर दैट, समझ में आ रहा? 3-4 एपिसोड होगा अलग अलग शॉर्ट्स का। चलो आज का देखे हो कितने जन? नहीं देखे हाथ उड़ाओ, नहीं देखे कितना जन? देखा है उन लोग हाथ उड़ाओ, देखे में भी हाथ उड़ा रहे, नहीं देखे में यानी क्या है? कितना जन देखा है हाथ उड़ाओ, बाकी जन क्या कर रहे थे? अरे फेमा को देखने नहीं बोल रहे, फेमा तो देख ही रहे हो, तुम्हारे लिए एक प्यारा सा छोटा सा शॉर्ट्स डालते हैं मॉर्निंग 8:15 AM, ठीक है? उसको देखा करो, दैट विल गिव यू अ प्रैक्टिकल इनसाइट ऑफ द रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड। 60 सेकेंड्स यू डोंट हैव, मॉर्निंग बोला मैंने, 60 सेकेंड, रस्ते से तुम जब घर से निकल रहे हो तभी खोल के देख लो यार, इंस्टीट्यूट आ जाओ रस्ते में देखते देखते, 60 सेकेंड नहीं देख सकते हो, देख लिया करो, तुम्हारे लिए बनाते हैं। देखा है क्या? क्या था, क्या देखा आज? नहीं बाबू आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाला तो नहीं था, मोटिवेशन तुम्हारे अंदर ढूंढो बाहर नहीं, ये था, देखना आज, अभी नहीं देखना है, अभी लिखो। चलो
मजा आ रहा है क्या फेमा पढ़ के? कुछ तो बोल दो, मजा आ रहा है फेमा पढ़ के, हाँ या ना? तो एनर्जी तुम लोग का थोड़ा सा एकदम हाई रखा करो। नहीं तुम लोग का एनर्जी हाई नहीं रहेगा तो हम क्लासेस का टाइमिंग शिफ्ट कर देंगे, और मेरा जो एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा है ना उन लोग को मॉर्निंग बुला लेंगे, शिफ्ट कर देंगे क्लासेस का टाइमिंग। हाँ नहीं तो एनर्जी बॉडी में लेकर आओ, हरकत लेकर आओ बॉडी में, मजा आ रहा है फेमा पढ़ के, हाँ या ना? वेरी गुड, चलो अभिषेक हमें दूसरों से क्या मतलब है, हम अपना कर्म पर बस फोकस करते हैं, ठीक है? तो बच्चे जो है खुलेआम दूसरे इंस्टीट्यूट का बुराई कर रहे, ऐसा मत करो भाई। अब हम ये सब नहीं बोल सकते किसका क्या कर रहे हैं, वो तो तुमको दिखाई दे रही है, अब बच्चे खोल के देखेंगे। चलो लिखो फेमा 1999, अच्छा पूरा ही लिख लो ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, कम ऑन गाइस राइट डाउन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, लिखे हो क्या? बोलो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब पास हुआ था, जल्दी से बताओ कब पास हुआ था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पास कब हुआ था 1999, एप्लीकेबल कब से हुआ? वेरी गुड, तीन चीज पढ़े थे बताओ, प्रीएम्बल, एप्लीकेबिलिटी और क्या, कमेंसमेंट। बोलो कमेंसमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम, गाइस कम ऑन टेल मी, हाँ ए फेमा किसको रिपील किया? वेरी गुड, हो गया क्या यहां तक, जल्दी बताओ, बोलो, बहुत स्लो हो तुम लोग। तो फास्ट होकर आएगा, नेपाल गया था तो मिलकर आया घर वालों से, घर वालों से ही ना, हाँ ठीक है, दोस्त यार से, किससे किससे मिला? हाँ दोस्त का भी दीदी, अच्छा ये बोला ऐसे ही ना, हाँ वही मेरे को भी वही सुनाई दिया। यहां पे हम तुमको बोलते तुम अपना शादी के लिए मत जाओ, तुम दोस्त का दीदी का शादी के लिए घूमने जा रहे हैं। कहां तक, ये वाला हो गया, ये वाला चार्ट पूरा,
वेरी गुड, नीचे चले अब। सबसे पहले किसका डेफिनेशन लिखोगे? नहीं, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एज पर, बोलो सेक्शन कौन सा? वी है, डब्ल्यू नहीं है। मीन्स अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर, बोलो कितना दिन? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्या? एंड डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, किसको किसको इंक्लूड नहीं करता है? बट डज नॉट इंक्लूड्स, बोलो किसको इंक्लूड नहीं करता है? ऑलरेडी मैंने बोला अ पर्सन, बोलो क्या? जो क्या किया बताओ, इंडिया को छोड़कर चला गया, हु गोस आउट ऑफ इंडिया, या फिर क्या बोला था, हु गोस आउट ऑफ इंडिया और स्टेज और स्टेज आउटसाइड इंडिया फॉर एनी ऑफ द क्या फॉलोइंग थ्री पर्पजेस, ये तीन पर्पस क्या है? तीन पर्पस था ना, या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर बोलो क्या चीज के लिए, फॉर बिजनेस, या फिर और एनी अदर देख लो, क्लियर है? ये तीन पर्पस के लिए था ना। और किसको इंक्लूड नहीं करेगा? ऊपर में देखो कॉमन है, बट डज नॉट इंक्लूड, और किसको नहीं इंक्लूड करेगा? पर्सन हु क्या, हु बोलो, केम टू इंडिया और stays in India for any, क्या for any purpose otherwise, ये लिख लिया क्या? अभी कहां पे हो बताओ, ये वाला पॉइंट लिख लिया? वेरी गुड। सो अ पर्सन हु केम टू इंडिया और स्टेज क्या इन इंडिया फॉर एनी पर्पस अदरवाइज इन द फॉलोइंग थ्री पर्पस, यानी ये पर्पस के लिए अगर करेगा तो उसको पीआरआई में हम लोग क्या लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ना, अगर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के लिए है, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, या फिर क्या बोला था, बिजनेस वोकेशन इन इंडिया, या फिर क्या बोला था,
फॉलोइंग पर्संस आर ऑल्सो रिगार्डेड एज क्या? पीआरआई, बॉडी कॉर्पोरेट वाला ना, कौन कौन था बताओ? और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड, तुम लोग पूरा एक ना बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ और ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय या क्या? पीआरओआई ना, जो इंडिया में है उसको कौन ओन कर रहा है? पीआरआई, तो भी उसको क्या मानेंगे हम लोग? पीआरआई या फिर क्या, एनी ऑफिस ब्रांच एजेंसी आउटसाइड इंडिया बट ओन्ड और कंट्रोल्ड, कौन कंट्रोल कर रहा है बताओ? पीआरआई। क्लियर है? अब क्या करे? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एज पर सेक्शन टू, बोलो क्लॉज कौन सा? मीन्स अ पर्सन, मीन्स अ पर्सन कौन? हु इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट क्या? रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, हु इज नॉट अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया लिख लो ना, समझ में? हु इज अ मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। क्लियर है? चलो अब एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे सारा। रेडी हो? जिन लोग का छूट गया एक पे छोड़ दो और एग्जाम्पल से कंटिन्यू करो। रीड द क्वेश्चन बताओ। ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में वो क्या किया है? इंडिया के बाहर गया क्या? क्या करने के लिए? वेकेशन के लिए। और कब गया? ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में गया ना, और मैंने तुमको ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर का रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा, तो बताओ क्या होगा? Why? Financial year 23-24 के लिए he will be regarded as a क्या? PRI. Yes or no? बताओ reason क्या? Because 182 days भी वो रहा है ना, क्योंकि वो तो इंडिया को छोड़कर पहली बार ही गया है, यानी इसके पहले तक वो इंडिया में ही था। Yes or no? तो इसका आंसर क्या होगा? Because in the प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ही हैज क्या? रिसाइडेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज एंड ही डिड नॉट लीव इंडिया अच्छा अब एग्जाम में क्या थ्री पर्पस लिखोगे कि तीनों पर्पस ठीक से लिख कर आओगे? एग्जाम में कैसे लिख कर आओगे क्या? एनी ऑफ द थ्री पर्पस पूरा लिख कर आओगे ना डेफिनेशन ठीक से?
along with the clauses, section name, सब कुछ लिखकर आना, ठीक है? Example to what? If in the above case it was vocation instead of vacation. Vacation तीन purpose में आ गया ना, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? PROI, very good. इसका आंसर क्या होगा बताओ? PROI. Why? Because although he resided, but then he is क्या? Falling under one of those three purposes ना. लिखो इसका आंसर. फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए क्या माना जाएगा? PROI. Although he resided in India for more than 182 days in the previous financial year, but he leaves India for kya? वो तीन पर्पज में से एक पर्पज है ना, फॉर हिज वोकेशन आउटसाइड इंडिया, ठीक है? क्लियर है? एक सेकेंड, हैंग हो गया सिस्टम. हैंग हो गया सिस्टम, चेक करो, ठीक करो इसको जल्दी, ऊपर आके ठीक करो जल्दी. लैपटॉप इज विजिबल. Is it done? That recording is gone. नहीं, वो मेरा क्लास का रिकॉर्डिंग बीच में स्टॉप हो गया ना. ठीक है, ओके, देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच. ओके, ये वाला हो गया क्या? अब ये देखो क्या लिखा है. टोनी स्टार्क फिरंगी इंडिया में आया फर्स्ट टाइम, रिसाइड्स इन इंडिया फॉर 200 डेज in financial year 2024 for vocation. He has come to India for one of those three purposes, for vocation. Comment for 23-24 pehle comment karo. 23-24 ke liye to PROI hoga na. Kyun ma'am? Likho. Very good. PROI because, PROI why? Because, बोलो because क्यों? He did not reside in for more than 182 days in the कहां? A financial year
24-25 के लिए हम लोग क्या देखेंगे, 23-24 में वो तो 200 दिन रहा है ना, और उसका पर्पस ऑफ विजिट क्या, वोकेशन, तो वोकेशन के केस में हम लोग क्या मान लेंगे, पीआरआई, यस और नो? तो पीआरआई, बिकॉज क्या लिखोगे, एस ही स्टेड ना, एज ही रिसाइड्स इन इंडिया क्या, फॉर मोर देन 182 डेज इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कौन सा, दैट इज 23-24, एंड फॉर वन ऑफ दोस थ्री पर्पजेस, दैट इज वोकेशन है ना, यहां पे वन ऑफ दोस थ्री पर्पज वोकेशन दिया हुआ है, कोई डाउट है? चलो इसका क्वेश्चन का आंसर दो, व्हाट इफ ही केम फॉर क्या, वेकेशन, तब दोनों में उसको क्या मान लेते हम लोग, पीआरओ आई ना, अब क्लियर हो रहा है, यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए भी वो क्या होगा, PROI, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए भी बताओ क्या होगा, PROI, will I be through with this or not? Tell me guys, clear है? Next MBA वाला लिख ले, 3 साल MBA करने के लिए जाता है ना इंडिया से बाहर, राहुल इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया क्या करने के लिए, फॉर परसुइंग MBA फॉर 3 years, ठीक है? अच्छा ये फर्स्ट टाइम जा रहा है, इज गोइंग आउट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल 24 फॉर परसुइंग MBA फॉर 3 years फॉर द फर्स्ट टाइम, जिससे तुमको ये हिंट पता चल जाएगा कि इसके प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो कहाँ था, इंडिया में ही था ना, बताओ इसका आंसर, अच्छा 24-25 में चला गया, तो फिर 24-25, 25-26 का बताओ तुमको उससे क्या मतलब है, कुछ भी हो सकता है, भले ही 2026 अभी नहीं आया है, आ गया मान लो, बताओ इसका आंसर, पहले बताओ 24-25 के लिए तो क्या मानोगे उसको, पीआरआई, और इसके लिए क्या मानोगे, पीआरआई, क्योंकि वो इंडिया में नहीं रहा, लेकिन एंड स्टे देयर क्या, फॉर एन इवन इफ ही रिसाइड्स फॉर मोर देन इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ही शैल बी रिगार्डेड एज अ क्या, इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ना, कुछ समझ में आ रहा है? तो तुमको एग्जाम में क्या लिख कराना है, दोनों आंसर लिख कराना है, ये ऑल्टरनेटिव आंसर है, वहां लिख लेना, तुम अपना दोनों व्यू पॉइंट लिख करा जाना ना, तुम्हारे मैट में भी दिया हुआ है, ताकि एग्जामिनर मार्क्स ही तुम्हारा नहीं काट सके, ये ऑल्टरनेटिव है। अच्छा ऑल्टरनेटिव खाली किसके लिए, 24-25, 25-26 के लिए तो दोनों केस में ही क्या है वो, पीआरओआई, समझ में आ रहा है?
वो 18 डेज नहीं लिखवा रहे हैं, 18 डेज लीव, 12 डेज, वैसे भी तो एग्जाम में लिख ही दिया था ना क्वेश्चन में, मोर देन 182 डेज वो रह रही है इंडिया में, समझ में आ रहा है? इन फाइनेंशियल ईयर 2021, कमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22, बताओ क्या मानेंगे हम लोग? भले वो 182 से ज्यादा रह रही है, फिर भी हम लोग उसको क्या मान रहे थे? PROI. यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट? अलग अलग जगह आंसर्स अलग अलग क्यों हैं कि बस गैस वर्क कर रहे हैं हम लोग? PROI होगा ना? ऑल दो क्या हर स्टे एक्सीड्स कितना? 182 डेज इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2021, बट इट वॉज अ क्या? कंपल्सरी स्टे ना, एंड नॉट फॉर क्या? एम्प्लॉयमेंट इन और एनी ऑफ दोस थ्री पर्पजेस, है ना? वो तीन पर्पज के अंदर थोड़ी आ रही है जो उसको PRI मान लेंगे, उसका कोई इंटेंशन नहीं है ना यहाँ पे रहने का. और लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन बोला था, बताओ क्या? वेरी गुड. नोट हैड शी बीन एम्प्लॉयड इन मुंबई ब्रांच, देन द आंसर वुड हैड बीन क्या? तब उसको हम लोग क्या मान सकते थे? PRI. देख लो, और एक बताओ कौन सा, वो जापानीज वाले लिख लो. क्वेश्चन नंबर 2, जापानीज टॉय कंपनी था ना, कमेंट ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द मुंबई ब्रांच एंड द सिंगापुर. चलो इसका आंसर बताओ. अभी दिख रहा है ना ठीक से सब कुछ? हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेगा? अरे यूट्यूब में तो मिल रहा है, लिखवा रहे हैं, लिखो, डिक्टेट कर रहे हैं. अब ये भी तुमको चाहिए टेलीग्राम में? थोड़ा मेहनत करो, लिखो. जब तक लिखोगे नहीं एग्जाम में भी नहीं लिख पाओगे, तो ये सब लिखो. और ये भी नहीं हम डिक्टेट कर रहे, तुम लोग संग पूरा लिख दे रहे हैं. इज द स्क्रीन विजिबल? प्लीज रिप्लाई इन द लाइव चैट. एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर नॉट गाइस? स्ट्रीमिंग रुक गया है क्या? एम आई विजिबल? और समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, आई डोंट नो. चलो लिखो इसका आंसर बताओ. तुमको पता है इसका दोनों का आंसर क्या होगा? बताओ ना, मुंबई ब्रांच का आंसर क्या होगा? बोलो, मुंबई ब्रांच विल बी व्हाट? PRI. क्यों मैम? क्योंकि इंडिया में सिचुएटेड है ना, भले इट इज ओन एंड कंट्रोल्ड बाई क्या? PROI. इसका आंसर क्या होगा?
The office is situated in India, even owned और कंट्रोल्ड बाय क्या? और दूसरा कौन सा ब्रांच है? सिंगापुर ब्रांच भले ही बाहर है लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? पीआरआई. सो दैट विल बी अ पीआरआई. ऑल्दो सिचुएटेड कहाँ? आउटसाइड इंडिया बट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाई अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. दैट इज वाई एग्जाम में खाली पीआरआई पीआरआई मत लिख देना. एक जगह पर्सन रेसिडेंट इंडिया पूरा लिखना, ब्रैकेट में पीआरआई लिख देना, फिर चाहे तुम लिखते रहना पीआरआई पीआरआई, वैसे ही फॉर पीआरओआई. ओके. एक जगह एब्रिविएशन यू हैव टू राइट, यू कैन नॉट जस्ट यूज द वर्ड पीआरआई पीआरओआई. बोलो कैसा लगा? सो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट लेक्चर ऑन योर फेमा विच इज टॉकिंग अबाउट द रेसिडेंशियल स्टेटस. ये सारे एग्जाम्पल गो थ्रू कर लोगे आज घर जाके. अच्छा, इंस्टीट्यूट के मैट में तुम्हारा जितना एग्जाम्पल उससे ज्यादा मैंने करा दिया है और एक दो ठो गलत भी दिया हुआ है वहां पे. ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना. क्लियर है? एक बार रिवाइज करोगे मेरे संग? जल्दी से कर लो रिवाइज. चलो स्टार्ट हो जाओ. बोलो स्टार्टिंग से पीआरआई का खाली डेफिनेशन रिवाइज कर ले रहे. सेक्शन टू क्लॉज वी में पीआरआई को डिफाइन किया. पीआरआई मीन्स अ पर्सन हु रिसाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु गोज आउट ऑफ इंडिया स्टेज आउटसाइड इंडिया फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री पर्पसेज. नंबर वन, फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, फॉर बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया, फॉर एनी अदर पर्पज द सर्कमस्टांसेज ऑफ विच इंडिकेट्स हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड एंड ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु हैज कम टू इंडिया और हु स्टेज इन इंडिया फॉर एनी पर्पज अदरवाइज देन द फॉलोइंग थ्री पर्पज. फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, फॉर बिजनेस और वोकेशन इन इंडिया, फॉर एनी अदर पर्पज द सर्कमस्टांसेज ऑफ विच इंडिकेट्स हिज इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड. Following person shall also be regarded as a PRI. Number one, person or a body corporate registered or incorporated in India, या फिर any branch, office, agency situated in India but controlled or owned by a PROI, या फिर any branch, office, agency situated outside India but controlled and owned by a PRI. ठीक है, PROI का definition बोलो. PROI means a person who is not a person resident in India as per section 2 clause W. Clear है? और जल्दी से मेरे को बता दो कि ये जो FEMA Act है इसके पहले कौन सा एक्ट था? FERA. FERA का full form Foreign Exchange Regulation Act. ठीक है, 1973. FERA को repeal कर दिया गया, उखाड़ कर फेंक दिया गया जब FEMA आया. FEMA was passed in 1999 but it became applicable from 1st of June 2000. And is applicable to whole of India. और preamble में इसको objective क्या लिखा है? FEMA क्यों पास किया गया? क्या चीज करने के लिए? Facilitating external trade and payment. और दूसरा point क्या बोला? For promoting and development of foreign exchange market in India. उसको facilitate करने के लिए, develop करने के लिए, regulations लाने के लिए import export में. Because there were no regulation because LPG was introduced in 1991. और उसके बाद Coca-Cola was back. समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? पूरा बताओ, समझ में आया आज का क्लास? अच्छे से पूरा मक्खन की तरह क्लियर है? सब कुछ लिखवा दिया है. इनफैक्ट मैंने आपको जो है ना नोट्स वगैरह में भी पूरा मार्किंग करवा दिया है. तुमको अब दरकार है कि वो नोट्स जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था उसे पढ़ने का? नहीं मैम, आपने तो प्लेन लैंग्वेज में लिखवाया. पूरा बेरक का लैंग्वेज है. तुम कंपेयर कर लो डेफिनेशन को और यहां से. एग्जैक्टली सेम है इन अ चार्ट फॉर्मेट. इट कैन नॉट बी बेटर देन दिस. ओके, तो प्लीज अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अभी रुक कर 30 सेकेंड्स लगेगा, कमेंट करके बताओ कि आज का सेशन कैसा था. और फेमा का सेशन अपने दोस्तों के संग भी शेयर करो. कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास ऑफ फेमा के लिए सेम टाइम. ठीक है, ऑन यूट्यूब लाइव एज वेल. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस. बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड प्लीज गिव मी योर कमेंट. इट विल टेक जस्ट 1 मिनट फॉर यू टू कमेंट. कमेंट राइट नाउ, राइट हियर. वंस अ लाइव स्ट्रीमिंग, वंस अ